Assalamualaikum everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. क्या आप अपनी AI and data science application को web पर deploy करना चाहते हैं? If yes, then we have a very powerful library available in Python is a Streamlit. Streamlit आपको help out करती है to build and deploy an interactive web application. And for this, you do not need to be an expert in web development. आइए देखते हैं कि हम Streamlit के through कैसे हम अपनी AI and data science application को web पर deploy कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास स्ट्रीमलेट जो है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट कर सकते हैं. एक्सक्लेमेशन का साइन इस वजह से दिया है कि ये कमांड लाइन से दी जाती है, यानी कि ये जो आपकी ब्लैक स्क्रीन है जिस तरीके से आपने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च किया था. लेकिन अगर आप जुपिटर के थ्रू देना चाहते हैं कमांड तो आप पहले एक्सक्लेमेशन देंगे. जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 1.29.0 है. अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसी को फॉलो करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी 1.29.0 ही इंस्टॉल कीजिएगा. आए इंपोर्ट करवाते हैं स्ट्रीमलेट को और अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं. इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी वेब एप्लीकेशन में मेरा लोगो शो हो. तो हमारे पास स्ट्रीमलेट के अंदर इमेज का मेथड अवेलेबल है. इधर आप अपने जो भी आपका लोगो आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लोगो अवेलेबल है अपनी कंपनी का, तो यहाँ पे मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर दूंगा और मेरे पास लोगो आ जाएगा. लेकिन हम जुपिटर नोटबुक से अपनी वेब एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर सकते. अगर हमारा ये कोड py फाइल में राइट किया जाए तो फिर हम लॉन्च कर सकते हैं. py फाइल कैसे क्रिएट की जाती है? आप न्यू राइट क्लिक करें, न्यू में आए, टेक्स्ट फाइल करें और यहाँ पे आप लिख दें app.py. तो देखें मेरी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगी, app.py. ये एक पाइथन फाइल है. मुझे अपनी सारी कोडिंग को अगर मुझे वेब पर डिप्लॉय करना है तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. लेकिन मेरे पास इसका एक शॉर्टकट भी है. वो कैसे कि मेरे पास एक मैजिक कमांड है जो कि मैं जुपिटर नोटबुक के थ्रू राइट करवा सकता हूँ. मैं कैसे लिखूंगा, % राइट फाइल और मैं फाइल का नाम दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ web.py. तो मेरी जितनी भी ये कोडिंग मैं जुपिटर नोटबुक पे लिख रहा हूँ वो एक फाइल क्रिएट होगी मेरे फोल्डर में और उस पर ये तमाम जो कोडिंग है वो राइट हो जाएगी. आइए देखते हैं किस तरीके से. देखें कह रहा है राइटिंग web.py और यहाँ पे देखें web.py जो है वो क्रिएट हो गई. इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें वही कोडिंग होगी जो मैंने आपको अभी शो करवाई है. इसको हम अगर आपके पास .py फाइल है तो आप अपनी वेब एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं. कैसे लॉन्च करेंगे, हमें कमांड लाइन में कमांड देनी है. और क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप जुपिटर नोटबुक के थ्रू कमांड देते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन के साथ आप लिखेंगे स्ट्रीम लेट रन और अपनी फाइल का नाम. मेरी फाइल का नाम है web.py और देखें हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है. कितना इजी है वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना. और देखें मेरे पास सबसे पहले लोगो आ रहा है. लोगो आने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसके नीचे डिजिटेक का कैप्शन भी आए, तो वो कैसे दे सकता हूँ. हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैप्शन का और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ डिजिटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड. और इसको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से इस कोड को रन कर सकूं ऊपर वाले को और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से हम रन करते हैं. और यहाँ पे देखें आपके पास आप रीलोड होने के बाद यहाँ पे कैप्शन भी आ जाएगा. ये आपने देख लिया. आए अब इसको दोबारा से जो है वो हम और चीज़ें ऐड करते हैं. मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैप्शन ना दूँ क्योंकि मुझे कैप्शन इतना सूट नहीं कर रहा, काफ़ी गैप दे रहा है. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूँ डिजिटेक के नेम से. तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट. कैप्शन को मैं करता हूँ रिमूव और मैं टाइटल दे देता हूँ. और टाइटल कैसे दिया जा सकता है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और मैं लिखूंगा st.title और टाइटल में मैं अपनी कंपनी का नाम दे दूंगा. तो देखें अब इसको जब मैं दोबारा से रन करूंगा, इंटरप्ट करने का एक शॉर्टकट है एस्केप आई, आप उसको इंटरप्ट कर सकते हैं. और उसके बाद दोबारा से आप रन करें इसको और स्ट्रीमलेट को दोबारा से रन करें और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास अब टाइटल में डिजिटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है. मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर से या अपने ट्रेनी से फीडबैक लूँ अबाउट आर ट्रेनिंग. तो वो मैं कैसे फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ वेब एप्लीकेशन में, वो देखते हैं हम. मैं यहाँ पे एक हेडर लिखता हूँ. हेडर जो है वो टाइटल से स्मॉल होती है लेकिन इज अ बिग हेडर एक्चुअली. और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीडबैक फॉर्म, ये मेरा हेडर हो जाएगा.
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक सब हेडर बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब हेडर प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक लो। ऑलराइट, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए मेरी एप्लीकेशन चल रही है, सबसे पहले तो आप इसको इंटरप्ट करें एस्केप आई दबा के। जब आप इसको एस्केप आई दबा के इंटरप्ट करेंगे, दोबारा से इस कोड को रन करें और अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करें, तो देखें ये आपके पास फीडबैक दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। और देखें मैंने डिजिटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया, फीडबैक फॉर्म लिख दिया और लिख दिया प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक ब्लो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये सब हेडर के तौर पे ना आए, बल्कि मैं एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूँ। वो किस तरह लिख सकता हूँ, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एसटी डॉट राइट, जो कि एक सिंपल टेक्स्ट लिख सकता है आपके लिए। और ये देखें मैं यही चीज कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और अब अगर मैं इसको कर्नल को इंटरप्ट करूँ और यहाँ पे मैं आपको रीरन करके दिखाऊं, तो आप देखिएगा कि आपके पास एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। और यहाँ से भी आप रीरन कर सकते हैं, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रीरन होके आ जाएगा। अगेन आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को और ऐड करते हैं। मैं कार्नल को यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको पहले एस टी डॉट राइट, देखें ये आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ, तो हमारे पास टेक्स्ट इनपुट के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। कैसे हम इनपुट ले सकते हैं, एस टी डॉट टेक्स इनपुट अंडर स्कोर इनपुट, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्लीज राइट योर नेम। तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं कुछ और सवाल भी कर सकता हूँ। मैं दो तीन स्क्रिप्ट को आपके सामने लिख के बताता हूँ और उसको एक साथ रन करके दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे एक रेकमेंडेशन लूँ और मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या आप हमारी ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये मैं किस तरह दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ एस टी डॉट राइट करके, एस टी डॉट राइट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डू यू इंजॉय आर ट्रेनिंग। ऑब्वियसली इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब हो सकता है येस और नो। तो मैं दो यहाँ पे बटन क्रिएट कर देता हूँ येस और नो के। वो कैसे हम कर सकते हैं, एस टी डॉट बटन, और मेरा पहला बटन होगा जिसमें लिखा हुआ आएगा येस। इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ येस के, और सिमिलरली नो का बटन भी मैं यहाँ पे क्रिएट करवा देता हूँ। फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास किस तरीके से एप्लीकेशन शो हो रही है। तो आपने यहाँ तक तो देखा था कि हमने ये कर लिया था। उसके बाद मैंने एक इनपुट टेक्स्ट दिया जिसमें मैंने कहा आपको अपना नाम बता दें। हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल में हम आप यहाँ पे दे दें जो कि लिख आप कह देंगे लेट सपोज फहद फहद। तो देखिए एग्जाम्पल भी आपने दे दी। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास इनपुट टेक्स आ रहा होगा, उसके नीचे एक स्टैंडर्ड टेक्स लिखा हुआ आ रहा होगा जहाँ पे होगा डू यू एंजॉय अवर ट्रेनिंग, इधर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, येस और नो का हमने बटन भी ऐड कर दिया। इसको दोबारा से रन करते हैं, पहले हम अपनी इस पार्ट को इंटरप्ट कर देते हैं क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो भी चल रही है। इसको हम इंटरप्ट कर देते हैं, दोबारा से इस कोड को रन करते हैं, दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, और देखें आपके पास ये रीलोड होगी और आपके पास क्या आ गया, हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई है जहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है कि आप अपना नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद वकास, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डू यू एंजॉय अवर ट्रेनिंग। अब मैं क्लिक करता हूँ येस, तो देखें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नो पे क्लिक करूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक्चुअली जब हम येस और नो पे रिस्पॉन्स क्लिक करते हैं तो वो हर बटन के अगेंस्ट अगर जो प्रेस हुआ होता है उसके अगेंस्ट ट्रू दे देता है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसकी वैल्यू नो हो जाएगी। तो हमने तो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज नहीं देखी तो प्लीज जाके देखें। तो मैं इसको एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ येस,
इसका मतलब है यहाँ पे अगर ट्रू आ जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर ये ट्रू आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंड करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ यस, और मैं एक प्रिंट करवा देता हूँ। आप यहाँ पे प्रिंट तो नहीं करवाते बल्कि हम राइट करवाते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लैड टू हियर दैट, ग्लैड टू हियर। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी जब मेरे पास नेम आ गया तो मैं इसको वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ नेम को, और मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ आपका नाम, और मैं लिख सकता हूँ एसटी डॉट राइट, और मैं यहाँ पे एव स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ, एव स्ट्रिंग का मतलब मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ वेलकम, और मैं यहाँ पे आपको आपका नाम लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा नेम। तो देखें यहाँ पे मेरा नाम भी आ जाएगा। तो एव स्ट्रिंग का क्या मतलब है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग हम करके यहाँ पे अपना नाम, आपका नाम जो भी आप नाम देंगे वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलकम एंड योर नेम। तो मैं एग्जाम्पल हटा देता हूँ ताकि फहाद नाम ना आए, फहाद नाम ना आए, और ये आपका नाम इधर यहाँ पे आ जाए। और मैंने लिख दिया इफ यस, तो ये आ जाएगा ग्लैड टू हियर दैट, और अगर इफ नो हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, एस टी डॉट राइट, हम लिखते हैं सॉरी टू हियर दैट वी विल स्ट्राइव टू इम्प्रूव। लेट सपोज आप फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करता हूँ, सबसे पहले आप कार्डिनल को इंटरप्ट करें ताकि जो आपकी जो पहले एप्लीकेशन चल रही थी वो आपने देख ली, या आपको मैं बार बार इस वजह से आपको इंटरप्ट करके दिखा रहा हूँ कि मैं बार बार आपको शो करवा रहा हूँ। जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो फ्लो में क्रिएट कर रहे होंगे। इसको हम दोबारा से रन करते हैं और देखिए हमारे पास यहाँ पे वेब एप्लीकेशन क्रिएट अपडेट हो गई है। अब इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना नाम लिखूंगा, नाम लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वेलकम वकास अली। देखिए लिखा क्या आ रहा है, वेलकम वकास अली। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ डू यू एंजॉय अवर ट्रेनिंग, अगर मैं येस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ग्लैड टू हियर दैट, और मैं नो पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी टू हियर दैट वी विल स्ट्राइव टू इम्प्रूव। आपने देखा कितनी इंटरएक्टिव मेरी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रेटिंग शो करवाऊँ कि आप हमारी ट्रेनिंग को क्या रेट करते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आई मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको इंटरप्ट कर दें ताकि हमारा हमारी रिसोर्स कंज्यूम ना हो। हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्लाइडर का, जो कि आपको एक स्केल प्रोवाइड करता है। तो हम लिखेंगे एस टी डॉट स्लाइडर, और स्लाइडर के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हाउ डू यू रेट आर ट्रेनिंग, और यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू दें सब पहले, फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 तक देना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और डिफॉल्ट वैल्यू मैं 5 रखना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास स्लाइडर की वैल्यू आ गई, यानी कि इसको हम रेटिंग के अंदर, रेटिंग के वेरिएबल के अंदर सेव करवा सकते हैं। सिमिलरली मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी कौन सी ट्रेनिंग को जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स का। ये एक्चुअली ड्रॉप डाउन आपको देता है और उसमें बताता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉट ट्रेनिंग ट्रेनिंग डू यू लाइक मोस्ट, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देता हूँ, और लिस्ट में मैं क्या दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स सेकंड हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जेनरेटिव ए आई, और हम थर्ड कहते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब जो हमारे पास रेटिंग का जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई सिलेक्ट करता है 5 तो 5 आ जाएगा, अगर कोई सिलेक्ट करता है 9 तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली जो इसका सिलेक्ट बॉक्स का आंसर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसका लिख देता हूँ ट्रेनिंग टाइप या ट्रेनिंग लिख देता हूँ, ट्रेनिंग इज इक्वल टू दिस। तो इधर से जो हमारा सिलेक्शन होगा वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस टी डॉट राइट,
और राइट में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखता हूँ एव स्ट्रिंग में, वो क्या लिखता हूँ, यू हैव रेटेड आर ट्रेनिंग, विच इज जो भी रेटिंग आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे लिख देता हूँ यू हैव रेटेड अवर ट्रेनिंग दिस एंड यू लाइक, और यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रेनिंग जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा, मैं लिख देता हूँ यू लाइक डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, जो भी हम आएगा वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। अब देखें मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रन होगा। उससे पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, एडजस्टमेंट ये करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास येस नो का बटन है, येस नो के मैं येस नो का बटन ऐड नहीं करना चाहता, बल्कि मैं एक रेडियो बटन ऐड करना चाहता हूँ। रेडियो बटन क्या होता है आपने देखा होगा, जिसमें आप सिर्फ सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ रेडियो बटन हम कैसे ऐड करते हैं। ये मैंने किया कमेंट, और हमारे पास एक ऑप्शन होता है एसटी डॉट रेडियो का। सबसे पहले आप उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखना चाहता हूँ डू यू इंजॉय आर ट्रेनिंग, और इसका जो भी आंसर है आप वो लिस्ट में बता दें, इधर येस और नो। तो मैं अगर येस दे देता हूँ आप क्लिक कर सकते हैं या आप नो क्लिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है या तो येस आएगा या नो आएगा। तो आपने यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में असाइन कर लेना है, और असाइन करने के बाद आप इसको ये कह सकते हैं कि लाइकिंग के अंदर आप इसको या इंजॉय के अंदर आप इसको किसी भी वेरिएबल में जो भी आपको सूट करता है आप कर सकते हैं। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा या तो येस और नो। तो आप एक कंडीशन बना सकते हैं, इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, ये भी जो है इसी का पार्ट था, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। और मैं यहां पे लिखता हूं इफ मेरा आंसर अगर येस आता है, अगर मेरा आंसर येस आता है तो मैं क्या राइट करवाऊंगा, कोई चीज देखें, और अगर मेरा आंसर नो आता है, अच्छा यहां पे मुझे इफ नहीं लिखना चाहिए था, एलिफ लिखना चाहिए था, और अगर मेरा आंसर नो आता है यहां पे एलिफ, अगर कोई नो लिख देता है तो फिर मुझे कैसे देना पड़ेगा, और वो मैं फिर इसी तरह दे दूँ। तो मैंने थोड़ा सा इधर चेंज किया, बटन को रिमूव करके रेडियो बटन लगा दिए। अगर आपने बैक एंड फोर्थ मूव करना है और वीडियो को पॉज करके आपने देखना है, तो आए जरा इसको रन करते हैं, अगर मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा तो ये मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने रेडियो बटन ऐड किया है, मैंने यहाँ पे स्लाइडर ऐड किया है जिसको आप जो है मूव कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है और डिफॉल्ट वैल्यू 5 है। ट्रेनिंग के अंदर मैंने सिलेक्शन बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन बॉक्स डाल दिया है, जिसमें मैंने 3 ऑप्शंस जो दिए हैं और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, व्हाट ट्रेनिंग डू यू लाइक मोस्ट, इधर हम दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, और मैंने यहाँ पे राइट करवा लिया यू हैव रेटेड अवर ट्रेनिंग, जो भी नंबर आएगा वो आ जाएगा, एंड यू लाइक डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग वॉट एवर, जो भी आएगा वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। आए थोड़ा दोबारा रन करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं। देखें ये रीलोड होगा, और रीलोड होने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, हमारे पास टाइटल आ रहा है, हमारे पास हेडर आ रहा है, हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट इनपुट लिया था, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ वकास अली अगेन। तो देखें यहाँ पे ये जैसे ही मैं आगे मूव करूँगा इसके बाद, तो ये आ गया वेलकम वकास अली। अब देखें रेडियो बटन आ रहा है, डू यू इंजॉय अवर ट्रेनिंग, मैं करूँगा येस, तो बाई डिफॉल्ट येस पे है तो आ रहा है ग्लैड टू हियर दैट। अगर मैं नो करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होके आ जाएगी। ये क्यों नहीं चेंज हो रही, मैं पहले देख लूँ, एलिफ नो, सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था इंजॉय, यहाँ पे हमारी इससे मिस्टेक हुई है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए इफ इंजॉय इज इक्वल टू येस एलिफ, सॉरी Enjoy is equal to no, तो आप ये करिएगा। मैं दोबारा से इसको इंटरप्ट करता हूँ कार्नल को, और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ओवरसाइड हो गया था, मैंने enjoy वेरिएबल को कंसिडर नहीं किया था। अब इसको दोबारा से लिखते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कैसे रन हो रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है रीलोड हो गई, रीलोड होने के बाद वही फीडबैक फॉर्म आ रहा है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू यू इंजॉय अवर ट्रेनिंग, अगर मैं यस लिखूंगा तो आएगा ग्लैड टू हियर दैट, नो लिखूंगा तो मेरे पास आएगा नो, पे मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं।
एस टी डॉट राइट, नो, नो में मैंने वो कैपिटल लिखा है यहाँ पे, इधर स्मॉल कर देते हैं, इधर भी स्मॉल कर देते हैं, यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं। देखें, डीबगिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो आर प्रोसेसेस, तो आपको डीबग करना भी आना चाहिए। जहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई उसको मैंने करेक्ट किया, इसको दोबारा से रन करते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास कैसी सिचुएशन है। ये रीलोड हो जाएगा अगेन, रीलोड होने के बाद आप यहाँ पे वही नाम लिखें अपना। नाम लिखने के बाद अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपके आएगा ग्लैड टू हेयर दैट, नो पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा सॉरी टू हेयर दैट, वी विल स्ट्राइव टू इम्प्रूव। आपने देखा वो जो बटन था, बटन की जगह पे मैंने रेडियो बटन लगा दिया। अब मेरे पास जो है वो ये आ रहा है कि हाउ डू यू रेट आर ट्रेनिंग, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइडर को मूव करेंगे, देखें यहाँ पे चेंज आ रहा है, 7 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ, अगर आपको हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगती तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। आप हमारी कौन सी ट्रेनिंग को जो है वो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 9 देते हैं तो यहाँ पे 9 आ गया। अब हमारी कौन सी ट्रेनिंग को जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लिख देता हूँ, तो देखिए मेरे पास आ गया कि यू हैव रेटेड अवर ट्रेनिंग 9 एंड यू लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो कितना इंटरएक्टिवली मेरे पास ये फॉर्म फिल होते जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हमें फर्दर कमेंट्स करके बताएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ। आए चलते हैं अपनी एप्लीकेशन स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पे मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, और फर्दर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा था कि मैंने ऐड किया था यहाँ पे अपने नेम के लिए टेक्स्ट इनपुट। एक हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको कमेंट्स देने होते हैं, मैसेज लिखना होता है, वॉट एवर। तो वो हमारे पास हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है जहाँ पे आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें कमेंट्स, वो आप यहाँ पे लिख दें, तो आपके पास ऊपर लिखा आ रहा होगा कमेंट। और आप उसके बॉक्स के अंदर भी कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लिखते हैं प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट्स टू इम्प्रूव आर सर्विस फर्दर, और इसका कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा जिसको आप एक जगह पे सेव करवा लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैसेज के अंदर सेव करवा लेता हूँ, तो ये आपका मैसेज आ जाएगा। आप इस मैसेज को अगर कुछ इसके साथ एव स्ट्रिंग के थ्रू लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। और मैं फाइनली एक चेक बॉक्स लगाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा चेक बॉक्स भी होते हैं, वो हम कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एस टी डॉट चेक बॉक्स, और यहाँ पे आप लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज कंफर्म ऑल अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से रेडियो बटन में आप लिस्ट दे सकते हैं और मल्टीपल आप इधर ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स में आपने हर चेक बॉक्स को इंडिविजुअली लिखना होगा। जब तक आप इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, मल्टीपल आप वैल्यूज नहीं दे सकते चेक बॉक्स में, आपको हर मरतबा चेक बॉक्स की वैल्यू अलग अलग देनी पड़ेगी विद दिस स्टेटमेंट एस टी डॉट चेक बॉक्स। तो अगर आप मल्टीपल चाहते हैं चेक बॉक्स लिखना, तो वो आप इस तरह देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चेक बॉक्स लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे लिखूंगा, आर यू हैप्पी विद दिस फीडबैक, तो ये मैंने एक और चेक बॉक्स दे दिया। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से डाटा आ रहा है। ये देखें हमारे पास वेब एप्लीकेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी अभी, और मेरे पास ये डिप्लॉय हो चुकी है। डिजिटेक का लोगो आ रहा है, टाइटल आ रहा है, हमारे पास हेडर आ रहा है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट आ रहा है जो हम एस टी डॉट राइट करके लिखते हैं। प्लीज राइट योर नेम, हमने एक टेक्स इनपुट की फील्ड दी हुई है जहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू इंजॉय अवर ट्रेनिंग। ऑब्वियसली आप इंजॉय करते होंगे, अगर आप नहीं करते तो नो दे दीजिएगा, अगर करते हैं तो आप येस दे दीजिएगा। अगर आपको हमारी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं तो आप उसकी रेटिंग हाई कर सकते हैं। इधर आप फर्दर बता सकते हैं कि अगर आप 1 चूज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप 10 चूज करते हैं तो क्या होगा। तो आप ये बता सकते हैं इफ़ यू चूज 1 इज द लीस्ट रैंकिंग, इफ़ यू चूज 10 इज द हाईएस्ट रैंकिंग। तो आप बता सकते हैं कि बिटवीन 1 एंड 10 आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फर्दर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप हमारी कौन सी ट्रेनिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पसंद करते हैं जेनरेटिव एआई को, आप इधर क्लिक कर सकते हैं, तो देखें इधर आ गया कि यू हैव रेटेड अवर ट्रेनिंग 8
एंड यू लाइक जनरेटिव ए आई ट्रेनिंग। यहाँ पे भी आप रिस्पॉन्स में कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि अगर आपको कोई वन रेटिंग देता है तो क्या मतलब है, उसको आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सारा आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेट करता है। और देखिए मैंने कमेंट्स बॉक्स बनाया हुआ है और मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कमेंट लिखा है, मैंने लिखा है प्लीज प्रोवाइड यूर कमेंट टू इम्प्रूव आर सर्विस फर्दर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी लाइक योर ट्रेनिंग प्लीज, और मैं यहाँ पे फर्दर कमेंट लिख देता हूँ प्लीज ब्रिंग मोर ट्रेनिंग इन अ शॉर्टर टाइम। तो देखिए मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख सकता हूँ शॉर्टर टाइम, और ये मेरे डेटाबेस पे पूरा आ रहा होगा। आप चाहें तो अगर आप मल्टीपल लाइन पे लिख रहे हैं तो आप यहाँ से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने चेकबॉक्स बनाया हुआ है प्लीज कंफर्म ऑल अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ये इसको मैंने कर दिया। आर यू हैप्पी विद दिस फीडबैक, यहाँ पे मैंने कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम स्ट्रीमलेट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये था हमारा आज का एक फाउंडेशनल स्ट्रीमलेट का ट्रेनिंग। आने वाले वक्तों में हम लेआउट पे बात करेंगे और अपने चैटबॉट को डिप्लॉय करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को डिटेल में देखें, पॉज करें, अपनी लॉजिक्स को अप्लाई करें, जो भी आपने फंडामेंटली मुझसे सीखा है। और कुछ आपको मैं और मेथड भी बता दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है st.caption, इसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। हमारे पास कैप्शन में आप जो भी कैप्शन लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, तो ये कैप्शन आपके पास आ जाएगा। मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। और हमारे पास होता है st.markdown। markdown लैंग्वेज तो आपको पता है कि हम लिखते रहते हैं जब भी हम जुपिटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन में लिख देता हूँ, अगर आपको बुलेट्स बनाने हो तो आप लिख दें आइटम, लेट सपोज आइटम वन, आइटम आइटम टू, इधर आप स्पेसेस दे दें। तो देखें अगर आपने, तो मार्कडाउन लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग एक्सप्लोर करें चीज़ों को। मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मार्कडाउन किस तरह चलता है और कैप्शन किस तरह चलता है। और आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये रीलोड हो जाएगा, और रीलोड होने के बाद कैप्शन को कैसे देख सकते हैं। एक कैप्शन तो मैंने आपको पिक्चर के साथ बताया था, एक कैप्शन देखें आपके पास कुछ इस तरह आ रहा होता है और मार्कडाउन भी आ रहा होता है। आप लोगों को रिक्वेस्ट ये है कि स्ट्रीमलेट पे आप डिटेल में काम करें और आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेटा साइंस एंड एआई की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें। हम फर्दर आगे भी क्लाउड्स से रिलेटेड भी देखेंगे और ये देखेंगे कि आप इसको ओवर द इंटरनेट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपने बनाना सीख ली, नेक्स्ट सेशन में हम इसके लेआउट पे काम करेंगे, चैटबॉट बनाना देखेंगे और डिफरेंट एपीआईस को, पाइथन की जो हमारे पास, जो पाइथन में हमारे पास मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं उनको एसोसिएट करना सीखेंगे। देयर आर लॉट टू डू। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे रीरन करने का और क्लियर कैशे करने का, तो ये भी आप देखिएगा और वेट कीजिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसके लिए। मैं होप करता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। ये वर्किंग फाइल जो है हमारी जुपिटर नोटबुक आपको, और PY फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। और अपने कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने कमेंट्स में हमसे करके पूछ सकते हैं। मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो डेटा साइंस एंड AI स्पेशलाइजेशन या हम फर्दर जो डेटा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हमने एडवांस एक्सेल की सीरीज लॉन्च की है, आने वाले वक्तों में हम पावर BI की, टैबलो की, डेटा इंजीनियरिंग की, क्लाउड की, जेनरेटिव AI पे फर्दर हम काम करेंगे, तो जितनी भी हमारे पास डेटा साइंस एंड डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेन करेंगे। तो डिस्क्लेमर ये है कि अभी तक ग्लोबली कोई चैनल ऐसा अवेलेबल नहीं है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देता है, जिसके लिए आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी हो। तो आप लोग इस ट्रेनिंग को जो है वो एक तो आप इसकी जो है केयर करें, इसको प्रैक्टिस करें अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो, और आप लोग जो अर्न करेंगे डेफिनेटली से हमारे कंट्री को भी फायदा होगा। वॉट आई एम डूइंग इज फॉर द नेशनल कॉज, और नेशनल कॉज में आप मेरा साथ दे सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी नई ट्रेनिंग आए तो आपको वो अवेलेबल हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।